गिरफ्तार किया गया और मॉर्निंग गश्ती में जो बरामदगी हुई है उसमें एक कट्टा, दो कारतूस, देसी विदेशी शराब 1885 लीटर, 18 मोटरसाइकिल, 5 टेम्पो, 2 स्कूटी, 2 मोबाइल फोन। ये हमारी जो अर्ली मॉर्निंग की गश्ती है। नमस्कार, आप लाइव सीरीज देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ रोहित वर्मा। पटना में मॉर्निंग वॉकर्स के सुरक्षा के लिए पटना पुलिस अपनी आंखों को और अपनी कमर को कस कर रखी। जी हाँ, ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मई महीने की बात करें तो कुल मई महीने में कुल 37 लोगों को पटना पुलिस ने लाल घर भेज दिया है। यानी मॉर्निंग वॉकर्स पर जो नज़र अपराधी रखते हैं, चेन स्नेचिंग करते हैं, मोबाइल स्नेचिंग करते हैं, तो ऐसे में सुबह सुबह पटना पुलिस ने करीबन 37 लोगों को मई महीने में उठा लिया है। इसकी जानकारी बिहार पुलिस मुख्यालय के डीजी जितेंद्र सिंह गंगवार दे रहे हैं। सबसे पहले आप वो सुने। 22 और 23, इस प्रकार से हम लोग इस घटना का पूरा उद्भेदन हो गया। मई महीने में प्रातः गश्ती के क्रम में जो पुलिस की द्वारा उपलब्धि है वो बताना चाहता हूँ। एक व्यक्ति, दो और जो बरामदगी हुई है, 37 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया और मॉर्निंग गश्ती में जो बरामदगी हुई है उसमें एक कट्टा, दो कारतूस, देसी विदेशी शराब 1885 लीटर, 18 मोटरसाइकिल, 5 टेम्पो, 2 स्कूटी, 2 मोबाइल फोन। ये हमारी जो अर्ली मॉर्निंग की गश्ती है उसके द्वारा की गई कार्रवाई है और नागरिकों की सुरक्षा के लिए और शहरी की सुरक्षा की व्यापक उसकी सुदृढ़ तरीके से हो उसके लिए निर्देश दिए गए हैं और उस तरह से हम लोग मॉर्निंग गश्ती को और प्रभावकारी बनाएंगे। पटना जिला के पीर बहुत, तो हमने सुना पटना पुलिस मॉर्निंग में भी जो है वो सतर्कता बरतती है और इसी तरीके से कुल 37 लोगों की गिरफ्तारियां पटना से हुई है। आपको बताएं कि मॉर्निंग में अपराधी बेलगाम होते हैं, अपराधी मॉर्निंग वॉकर्स पर नज़र बनाकर रखते हैं और चूंकि पिछले कुछ महीनों में ये देखने को मिल रहा था कि मॉर्निंग वॉकर्स के साथ बड़ा बड़ा कांड हो रहा है और ऐसे में पटना पुलिस पर सवाल खड़े हो रहे थे, तो पटना के एसएसपी के निर्देश अनुसार पटना के विभिन्न इलाकों में स्पेशल टीम का गठन किया गया। स्पेशल टीम के साथ कुल 37 लोगों की जो गिरफ्तारी है वो स्पेशल टीम ने किया। कई मोबाइल फोन्स, कई चीज़ें, कई गोली और पिस्टल के साथ पटना पुलिस ने 37 लोगों में से कुछ लोगों को भी गिरफ्तार कर लिया। तो मॉर्निंग में भी अब पटना पुलिस की नज़र मॉर्निंग वॉकर्स के साथ साथ आमजनों पर रहती। इस खबर में बस इतना ही। अगर आपने अब तक लाइव सीरीज को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्द से जल्द लाइव सीरीज को सब्सक्राइब कर ले। साथ ही साथ हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करना, वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।